इसको कहते हैं यक ना शुद्ध दो शुद्ध। करप्शन दर करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। आह चीमा के खिलाफ एक और मेगा करप्शन केस शुरू करने की तैयारी। नैब ने कायदे आजम थर्मल पावर कंपनी में करप्शन के मामले पर जेल में आह चीमा से तहकीकात करने की दरख्वास्त दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद सकलैन जावेद से। जी मोहम्मद सकलैन जावेद, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी आह चीमा के खिलाफ एक और मेगा करप्शन खुल गया है, जिसमें कायदे आजम थर्मल पावर कंपनी में होने वाली बेजाबतियों के हवाले से तहकीकात का आगाज किया गया है। इस हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर भारत अली जुंजुआ की वसादत से एहतसाब अदालत के रूबरू एक दरखास्त दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें कायदे आजम थर्मल पावर में होने वाली बेजाबतियों के हवाले से तहकीकात के लिए आह चीमा से जेल में तहकीक करने की इजाजत दी जाए, जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम ने मंजूर कर ली है। अदालत ने नैब को आह चीमा से जेल में जाकर तहकीक करने की इजाजत दे दी है, जिसमें नैब की तरफ से बताया गया कि इसमें दीगर बेजाबतगियों के अलावा ये भी हुआ था कि उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स आसफ अली और असिस्टेंट मैनेजर फिनांस सरदार अली शाहिद को भी गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया था। ये सब कुछ आह चीमा के अहकाम की वजह से हुआ, हालांकि ये लोग इन सीटों पर काम करने के मजीद तहकीक भी की जा सकेगी और वो भी जेल में जाकर। शुक्रिया सकलैन जावेद, अपडेट किया आपने।